हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। स्वागत करता हूँ सिगोरिन डिफेंस में आपका। दोस्तों, सिगोरिन डिफेंस के बारे में हमने 8 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, और ये मेरा लास्ट वीडियो है अबाउट सिगोरिन डिफेंस। तो सिगोरिन डिफेंस के बाद मेरी सीरीज कौन सी होगी, ये देखने के लिए सभी लोग बेचैन रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज द सिसिलियन डिफेंस। बहुत सारे प्लेयर्स की डिमांड है कि सिसिलियन डिफेंस हमें सिखाइए। सिसिलियन वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है, तो सिसिलियन के सारे वेरिएशन सीखने के लिए, हालांकि बहुत ही लंबी लाइन है सिसिलियन डिफेंस में, बहुत सारे वेरिएशंस है, तो सभी वेरिएशंस इसमें वीडियो भी काफ़ी बनाने ज़्यादा बनाने होंगे मुझे। तो आपको सिसिलियन डिफेंस में मैं बीच में कोई भी ब्रेक नहीं करूँगा, वन बाय वन सिसिलियन डिफेंस के सारे वेरिएशन आपको रेडी करके मैं बनाऊंगा। तो सिसिलियन डिफेंस आगे से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। तो चलिए, आज सिगोरिन डिफेंस का लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ E3 और E4 वेरिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं D4, ब्लैक प्लेस D5, यहाँ पे C4 और नाइट C6, ये हमारे पैटर्न मूव है। यहाँ पे वाइट खेलता है E3। E3 के बारे में मैंने आपको बताया कि जब भी व्हाइट सिगोरिन में E3 खेलता है तो ब्लैक की ओर से रिप्लाई क्या होना चाहिए, E5। तो यहाँ पे हम खेलेंगे E5। उसके बाद दो वेरिएशन है, D×E5 और C×D5। तो ज़्यादातर D×E5 लोग अच्छा मतलब मानते हैं व्हाइट से। D×E5 में आपको यहाँ D4 खेलना है। अब दोस्तों, व्हाइट A3 खेलता है, A3 मूव के सामने आपका रिप्लाई होना चाहिए A5। दोस्तों, यहाँ पे अगर A3 नहीं खेलता है तो आपको A5 खेलने की जरूरत नहीं है। क्यों A5 खेलना है ये मैं बताता हूँ। A3 अगर आपने बिशप C4 किया तो B4 और देन C5 आपके ऊपर अटैक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सिगोरिन डिफेंस में D4 पॉन के ऊपर हमें सपोर्ट बढ़ाना है तो बिशप C5 से करना है, लेकिन उससे पहले B4 को स्टॉप करो, इसलिए आपको A5 जरूरी है। अगर कोई A3 नहीं खेलता है तो ध्यान रखो A5 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा नाइट F3, आपके D4 के ऊपर प्रेशर बनाएगा। यहाँ आपको खेलना है बिशप C5, पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स मारो, नॉट नाइट टेक्स, बिशप टेक्स D4, आफ्टर नाइट टेक्स D4, और यहां मैं सजेशन करूंगा आपको क्वीन टेक्स D4। क्वीन टेक्स D4 के बाद में वाइट के लिए ये अच्छी मूव नहीं है। अगर वो क्वीन एक्सचेंज कर लेता है तो नाइट D4 पे आएगा और C2 पे थ्रेट रहेगी, जिसके बाद बिशप D3 फोर्स मूव होगा और नाइट B3 से फोर्स से आपको पीस मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाइट एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा, बिशप A2 उसके लिए बेस्ट होगा। यहाँ आपको करना है क्वीन टेक्स D1, आफ्टर बिशप टेक्स D1, नाइट क्रॉस E5। अब देखो C4 के ऊपर प्रेशर है, तो वाइट के पास बेस्ट ऑप्शन है बिशप E2। बिशप E6 से आप पॉन के ऊपर प्रेशर बढ़ा सकते हो। आफ्टर बिशप E2 व्हाइट खेलेगा नाइट D2, पॉन को सपोर्ट बढ़ाएगा। यहाँ आपको नाइट F6 करना है, डेवलप सिंपल। व्हाइट खेलेगा शॉर्ट कैसल और यहाँ पे आपको करना है लॉन्ग कैसल। तो दोस्तों, ये 13 मूव की मैंने ओपनिंग बताई, 14। इसके बाद व्हाइट शायद B3 करके बिशप डेवलप करता है, तो उसके रिप्लाई में आपको नाइट D3 करना है और सेंट्रलाइज रुक डबल करना है। अगर बिशप टेक्स नाइट किया तो रुक टेक्स बिशप, उसके बाद बैटरी बनाना है रुक D8 से। तो ये पोजीशन आएगी आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है ब्लैक के लिए। दूसरा वेरिएशन देखते हैं दोस्तों। दूसरा वेरिएशन है E4, D4, D5, C4, NC6 और E4। ये बहुत ही रेयर खेला जाता है E4। E4 के सामने आपको रिप्लाई देना है D×E4, सेंटर पॉन को ले। यहाँ वाइट खेलेगा D5 और नाइट सेंट्रलाइज कर देना है नाइट E5। वाइट
खेलेगा नाइट c3 आपके इस पॉन के ऊपर अटैक। यहाँ आप सिंपल नाइट f6 से सपोर्ट कर सकते हो और डेवलप भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बिशप f4 अगर रिप्लाई देता है तो नाइट g6 करके काउंटर अटैक करो और बिशप g3, यही एक बेस्ट ऑप्शन है वाइट के लिए। यहाँ आपको e5 करना है। e5 सिक्योरिंग डिफेंस में बहुत ही बढ़िया मूव है दोस्तों। जब भी e5 करने का मौका मिले मैं बार बार बोलता हूँ कि e5 जरूर कीजिए। d क्रॉस e6 एंड पास, यहाँ क्वीन क्रॉस d1 सिंप्लीफाई करो। आफ्टर रुक क्रॉस d1 बिशप क्रॉस e6 h4, व्हाइट खेलेगा h4 और नाइट के ऊपर प्रेशर बना के आपके नाइट को डिफेंडिंग करेगा। h4 के सामने आपको तुरंत रिप्लाई देना है h5, नाइट h3। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे बिशप टेक c7 क्यों नहीं हो रहा है। बिशप टेक c7 ने सिंपल रुक c8 और उसके बाद c4 वाला पॉन भी डेंजर में है। तो नाइट h3 के बाद आपको खेलना है सिंपल c6, नाइट g5, बिशप f5, पॉन के ऊपर सपोर्ट बढ़ा दो। व्हाइट खेलेगा बिशप e2, be7 और ये पोजीशन ब्लैक के लिए काफी अच्छी है। तो दोस्तों ये है सिक्योरिंग डिफेंस का लास्ट वीडियो, और अब तक जो भी मैंने 8 वीडियोस आपको दे दिए हैं और ये था 9th वीडियो, तो कम्प्लीटली 9 वीडियो आप देख के पूरी सिक्योरिंग डिफेंस कम्प्लीट तैयार कर सकते हो और उस हिसाब से आप अपनी गेम काफ़ी स्ट्रांग बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिसिलियन की ओर ले जाऊंगा। सिसिलियन डिफेंस वर्ल्ड की बहुत ही फेमस ओपनिंग है जिसमें बहुत सारे वेरिएशन है, सिसिलियन ड्रैगन, एक्सेलेटर ड्रैगन और नेस्डोफ वेरिएशन, पैलेका इन वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन है सिसिलियन में। वन बाय वन में सारे वेरिएशन आपको सिखाऊंगा। तो ये सभी वेरिएशन सिसिलियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे सिसिलियन डिफेंस के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।